नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भिंड डिंडोरी 22,80,000 के अवैध गांजे के साथ 3 तस्कर वाहन सहित गिरफ्तार। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक भिंड डॉक्टर असित यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को मुखबिर तंत्र विकसित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी गोहद दीपक तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी इंदौरी उप निरीक्षक परशुराम अहिरवार दिनांक 29 फरवरी 2024 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत बाराहेट से भूनपुरा रोड पर एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी है, जिसमें गांजा भरा हुआ है तथा 3 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हैं। उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। प्राप्त निर्देशों के पालन से थाना प्रभारी इंदौरी द्वारा स्थान बाराहेत भूनपुरा रोड आसन नदी के पुल से पहले पहुंचे तो एक सफेद रंग की कार दिखी। पुलिस टीम द्वारा उस कार की घेराबंदी की गई तो पुलिस टीम को देखकर कार में बैठे संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे तो पुलिस टीम द्वारा तीनों लोगों का पीछा कर पकड़ लिया गया तथा कार क्रमांक HR 55 AM 8681 की तलाशी लेने पर उस कार में से 14 पैकेट मिले, जिसे खोलकर देखा तो पैकेट के अंदर गांजा भरा हुआ था। इसका वजन 76 किलो 742 ग्राम बरामद किया गया। वक्त घटना के संबंध में आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध मादक पदार्थों गांजा जब्त किया। थाना इंदौरी में अपराध पंजीबद्ध कर नियानुसार विवेचना में लिया गया। उक्त अवैध गांजे के संबंध में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और खुलासा होने की संभावना है। आरोपियों पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज है, जिनकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। बरामद मसरू का गांजा 76 किलो 742 ग्राम 22,80,000 रुपये, एक स्विफ्ट डिजायर कीमत 3 लाख रुपये। कुल बरामद माल मसरू का कीमती 25,80,000 रुपये। सराहनीय भूमिका थाना इंदौरी प्रभारी उप निरीक्षक परशुराम अहिरवार, सहायक उप निरीक्षक राम प्रकाश शर्मा, प्रधान आरक्षक पवन कुमार, आरक्षक नारायण, संजय, पंकज शर्मा, जसवंत, ज्ञान सिंह, रजत, दिनेश, सोहनलाल, योगेंद्र किरार। थाना बरोही थाना प्रभारी बरोही उप निरीक्षक अतुल सिंह भदौरिया, प्रधान आरक्षक त्रिवेंद्र, आरक्षक ओमवीर समरजीत अनिल, साइबर सेल टीम साइबर सेल निरीक्षक दीपेंद्र यादव, साइबर उप निरीक्षक सतवीर सिंह, प्रधान आरक्षक महेश कुमार, सत्येंद्र यादव, आरक्षक आनंद दीक्षित, राहुल यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंडिया न्यूज 28 के लिए कैमरामैन मुस्कान के साथ दिलीप सिंह सेंगर, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। थाना प्रभारी इंदौरी और जो SDOP महगांव है, उनके द्वारा एक ज्वाइंट रूप से ऑपरेशन किया गया है। उसमें पुलिस की टीम को सफलता मिली है। करीब करीब 76 किलो 742 ग्राम गांजा है वो पकड़ा गया है। सूचना इस प्रकार मिली थी कि एक बारेट भोनपुरा रोड है, वहाँ पे एक स्विफ्ट डिजायर खड़ी है, तो उस गाड़ी में कुछ लोग बैठे हैं। तो जैसे ही पुलिस उनके आसपास घेराबंदी करने की कोशिश करी तो 3 लोग निकल के भागे, तो पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया। गाड़ी की जब चेकिंग करी तो उसमें करीब करीब 14 पैकेट निकले, जिसको बाद में चेक करने पर गांजा जैसा पदार्थ था। उसमें टोटल जो है उसकी वैल्यू है अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में, उसका करीब करीब 22 लाख के आसपास का बताया जा रहा है। जो ये आरोपी हैं, ये तीनों जो आरोपी हैं मुरैना ज़िले के हैं, और इन पे वहाँ पे मुरैना में अन्य अपराधी पंजीबद्ध हैं। इसमें जो पूरी जो टीम है जिसने कार्रवाई करी है, उसको इनाम दिया जा रहा है।